हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। कपिल शर्मा के शो में एक ऐसे एक्टर है जिनकी एक्टिंग एक टाइप में ही नहीं, सारे टाइप में, सभी टाइप में बहुत अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ सुनील ग्रोवर की, जिनका कॉमेडी तो आपने कपिल शर्मा के शो में तो देख लिया है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने बहुत से ऐसे सीरियस एक्टिंग भी किए है जो बहुत ही अप्रिसिएबल है। चाहे वो गब्बर फिल्म का पुलिस कांस्टेबल हो या फिर तांडव फिल्म में गुरपाल सिंह, दोनों ही सीरियस एक्टिंग को बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने उन्होंने प्रेजेंट किया है। इससे ये मालूम पड़ता है कि वो कितना टैलेंटेड है। 11 जून 2021 को Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे सुनील ग्रोवर के लीड रोल में रिलीज हुआ है सनफ्लावर। आपको मैं आज इसी सनफ्लावर वेब सीरीज का रिएक्शन वाला रिव्यू दूंगा और उसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको आपका कीमती समय इस वेब सीरीज को देना चाहिए या नहीं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के जब नोटिफिकेशन आए तो आपके पास जल्दी से जल्दी आए। मुंबई की एक मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम है सनफ्लावर, उसी सोसाइटी में एक मर्डर हो जाता है। इस मर्डर को किसने किया वो तो आपको एपिसोड के पहले ही सीन में दिखा दिया जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर के रोल में है रणवीर शौर्य और सब इंस्पेक्टर के रोल में है गिरीश कुलकर्णी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये मालूम पड़ता है कि ये मर्डर असल में ब्रोमेथलीन पॉइजन से हुआ है। तो इसके बाद से ही पूरे वेब सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन चलता ही रहता है। और उसके साथ साथ सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर, सोनू सिंह का कॉमेडी, फनी मोमेंट्स, उनका लाइफस्टाइल, उनकी एक्टिंग और उसके साथ साथ और भी कई सारे कास्ट एक्टर्स के एक्टिंग और उनके लाइफस्टाइल के बारे में दिखाया जाएगा। सोनू सिंह एक बैचलर लड़का है और लड़की पटाने के मामले में वो हर बार नाकामयाब होता है, लेकिन बंदा अच्छा है, हर लोगों के साथ, सबके साथ हंसी मजाक से मिलता रहता है, बात करता रहता है। उसके घर में एक चूहा रहता है जिसको मारने के लिए वो एक चूहा मारने का दवाई लाता है। अब इसको बैड लक कहे या कुछ और मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन चूहा मारने की वो जो दवाई है उसमें भी ब्रोमेथलीन रहता है। एक दिन वही चूहा मारने की दवाई उसके हाथ से गिर जाता है, खो जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको ये मालूम पड़ता है कि ये जो बंदा है, मतलब सोनू सिंह, इसने उस दिन उस चूहे मारने की दवाई को यूज किया है। तो पुलिस का जो शक है वो पूरी तरह से उसके ऊपर चला जाता है बिना उसके पता चले, मतलब उसको मालूम ही नहीं कि पुलिस के लिए वो एक मर्डरर है। नारियल में इंजेक्शन के जरिए उस जहर को उसके अंदर मिक्स किया गया था नारियल पानी के साथ, फिर जो कपूर उसको पिया तो वो मर गया। और ये जो नारियल है ये पुलिस को मिलता है सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर सोनू सिंह के घर के डस्टबिन से। अब वो मर्डरर से उसके पास कैसे आया उसके लिए आपको ये सीरीज देखना होगा। मतलब सोनू सिंह का बैड लक भी खराब चल रहा है जिसके कारण ऐसे बहुत सारे सबूत है जो ऑटोमेटिकली उसको पता चले बिना मर्डरर के कुछ करने के अलावा, मतलब मर्डरर कुछ करता भी नहीं उसको फंसाने के लिए, फिर भी उसके ऊपर ही सारा का सारा शक चला जाता है। एंडिंग में पुलिस जब उसको अरेस्ट करने के लिए, यानी सोनू सिंह को अरेस्ट करने के लिए सनफ्लावर सोसाइटी में जाता है तो उनको सोनू सिंह नहीं मिलता। अब वो गया कहाँ वो तो हमें भी नहीं मालूम क्योंकि लास्ट तक आते आते वो कहीं गायब भी हो जाता है और इशारों में हमें बता के जाता है रुको भाई साहब, सेकेंड सीजन में आऊंगा, अभी नहीं। IMDb में इसको मिला है 8.0/10 रेटिंग। इसकी कहानी को लिखा है और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है विकास बैल ने। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग डिसेंट और फनी है। रणवीर शौर्य और गिरीश कुलकर्णी की एक्टिंग भी इसमें आई कैचिंग लगता है। कहानी भी वेल रिटन एंड बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट करके बनाया गया है, क्योंकि जो जो मूवमेंट, जो जो इंसिडेंट होता है कि कैसे वो सबूत बिना सोनू सिंह के जानकारी से, बिना मर्डरर के कुछ करने से ऑटोमेटिकली वो सोनू सिंह के पास कैसे चला जाता है, वो आपको देख के बड़ा मजा आएगा। इस वेब सीरीज का सिर्फ एक ही कमी है, वो है इस वेब सीरीज का स्लो पेस।
कुछ जगह में आपको ये बहुत ज्यादा बोर करेगा, मतलब इतना ज्यादा कि आपका इंटरेस्ट ही जाता रहेगा। आई थिंक ये जो सनफ्लावर वेब सीरीज है, इसको वेब सीरीज ना बना के इसको अगर एज ए मूवी हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता तो और भी अच्छा रहता, क्योंकि इसका जो कहानी है वो बहुत डिसेंट और अच्छा है। मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो कॉमेडी, जो फनी सीन्स इसमें दिखाए गए हैं वो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको इतना ज्यादा खींच दिया गया है क्योंकि मालूम नहीं बीच बीच में बोरिंग सीन जब है तो उसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ इम्प्रोवाइजेशन, कुछ क्रिएटिविटी डालना जरूरी था ताकि इंटरेस्ट बना रहे, ताकि बोरिंग ना लगे। लेकिन इसको वेब सीरीज के टाइप का हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है तो इसके लिए ये जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी बोरिंगनेस को छोड़ के, विदाउट इंटरेस्ट को छोड़ के अगर हम लास्ट तक जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। एक चीज आपको मानना पड़ेगा, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग और रणवीर शौर्य, गिरीश कुलकर्णी, इन सब तीन जन का एक्टिंग जो है, इनका एक्टिंग धीमे धीमे करके, थोड़ा थोड़ा करके आपका इंटरेस्ट फिर भी इसके साथ अटैच करता रहेगा, लेकिन फिर भी आपको बोरिंगनेस फील होगा। मुझे फील हुआ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है, आपको ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है। सो इसके कारण मैं इसको मस्ट वॉच के लिस्ट में नहीं रख रहा, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा क्योंकि इसका जो कहानी है वो अच्छा है। जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही कहा था, मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन के साथ बहुत ज्यादा फनी एलिमेंट, कॉमेडी टाइप्स इसमें डाला गया है, सो ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। जिस जगह में आपको बोरिंग लगे उस जगह को आप स्किप करके देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, आपको बहुत आसानी से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस इफ यू हैव इनफ टाइम टू वॉच। सो गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही, क्योंकि मेरे पास इस वेब सीरीज को लेकर कहने के लिए और कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी, बहुत डिसेंट सा है, तो आप लोग अगर इसको देखोगे तो ही आपको मजा आएगा। मैं बस रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसे देखो, अगर उस जगह को स्किप भी करना पड़े जहां पे आपको बोरिंग लग रहा है तो स्किप भी करो, लेकिन देखो क्योंकि ये आपको अच्छा लगेगा। शायद मुझे जितना दूर लगता है कि सीजन 2 में शायद थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग इसमें डाला जाएगा, मतलब जो मर्डर हमें सीजन 1 में फर्स्ट से ही दिखाया गया है शायद वो ही मर्डर ना हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, मैं नहीं कह रहा, ऐसा हो सकता है। तो वीडियो को इधर ही खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको मेरा एक काम पसंद आया तो मेरे इस काम के लिए मेरा एक चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ, जय हिंद।